हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं राजमा की सब्जी बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही जल्दी बनी है। तो चलिए बनाते हैं राजमा की सब्जी। जिसके लिए मैंने राजमा लिया है, मैंने ये 1 कप राजमा लिया है जिसको ओवरनाइट सोक करके रखा है। ये अगर आप सोक करना भूल जाती हैं तो आप गर्म पानी में इसको 2 से 3 घंटे के लिए सोक कर सकते हैं। तो इसको मैंने एक प्रेशर कुकर में डाल लिया है। साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 तेज़पत्ता। तेज़पत्ता डालने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें 2 लौंग और 3 काली मिर्च है, ये डाल देंगे इसमें। लौंग और काली मिर्च डालने से ना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही साथ मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है और ये नमक डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच, ताकि हमारे राजमा अच्छे से गल जाएँ, जल्दी गल जाएँ। इसके लिए मैंने नमक डाल दिया है और कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और इसमें 4 से 5 सीटी आने देंगे मीडियम फ्लेम पर। 4 से 5 सीटी लग चुकी है। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारे राजमा पके हैं कि नहीं। अगर राजमा नहीं हुए होंगे तो 1 से 2 सीटी और लगवाऊँगी मैं। तो एक बार मैं राजमा चेक कर लेती हूँ कि राजमा हमारे हुए हैं कि नहीं। ये देखिए, हमारे राजमा अच्छे से हो चुके हैं, यानी अब इसमें सीटी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हुए होंगे तो आप इसमें 1 से 2 सीटी और लगवा सकते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल गर्म किया है। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा ऐड किया है। जीरा होने के बाद मैंने इसमें 1/2 छोटा चम्मच हींग ऐड किया है। हींग डालने से ना बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी सब्ज़ी में और हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है, तो हींग इसमें ज़रूर डालें। अब मैंने ये अनियन का पेस्ट डाला है। अनियन को मैंने ग्रेट किया है, तो इसमें 2 मीडियम साइज के अनियन मैंने डाले हैं। अगर आप सब्ज़ी ज़्यादा बना रहे हैं तो आप प्याज की मात्रा ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसमें जो अनियन है ना, इसको ग्रेट करके ही डालें, जिससे जो ग्रेवी है वो गाढ़ी बनेगी, टेक्स्चर अच्छा आएगा ग्रेवी का। तो अनियन को हम ग्रेट करके ही डालेंगे, इसको पेस्ट या इसको चॉप करके ना डालें। अनियन को मैं अच्छे से भून रही हूँ। अनियन को थोड़ा गोल्डन ब्राउन करना है, मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से भून रहा है। प्याज भुनने के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर मैंने 3 से 4 लिए हैं मीडियम साइज के, जिसको मैंने ग्रेट किया है। टमाटर और प्याज को ग्रेट करके ही डालेंगे। अगर आप सब्जी ज़्यादा बना रहे हैं तो टमाटर की क्वांटिटी, टमाटर की मात्रा भी आप ज़्यादा रख सकते हैं। अब टमाटर को भी अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट टमाटर भून चुका है। टमाटर भूनने के बाद इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसालों में मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। साथ ही साथ 1 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च अपने अकॉर्डिंगली आप इसमें डाल सकते हैं, जितना आप मिर्च खाते हैं। और साथ ही साथ मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है, 1/2 छोटा चम्मच नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। ध्यान रहे कि हमने जो राजमा को बॉईल किया था उसमें भी हमने नमक डाला हुआ है, तो नमक थोड़ा ध्यान से ही डालें। अब अच्छे से हम इन मसालों को मिला लेंगे और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए भून गया है। उसके बाद मैं इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कस्तूरी मेथी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो ना डालें, लेकिन कस्तूरी मेथी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। विदाउट रोस्ट कस्तूरी मेथी मैंने इसमें डाल दिया है ताकि मसालों के साथ अच्छे से भून जाए। कस्तूरी मेथी डालने से ना इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा सब्जी में। अब मैं इसको ढक दूंगी और मसालों को अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। मसालों को भूनना बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्ज़ी में। मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि अगर मसाले अच्छे से भुनेंगे तभी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। तो मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल सेपरेट हो गया है मसाला तेल से। इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है। अब हमने जो राजमा को उबाल के रख रखा है वो इसमें डाल देंगे पानी के साथ। इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। अब मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ी देर पकाएंगे, 3 से 4 मिनट के लिए। ढक दिया है मैंने, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक रही है। ग्रेवी देखिए आप कितनी गाढ़ी हो गई है। जैसे ये पकती है गाढ़ी होने लगती है, अगर जो हमने ग्रेट करके डाला है ना टमाटर और अनियन को, तो उससे ये जो ग्रेवी है गाढ़ी हो रही है। अब मैं इसमें ग्रीन चिली डाल दूंगी। ग्रीन चिली मैंने 3 से 4 ली है, जिसको बीच से कट कर लिया है। और साथ ही साथ गरम मसाला ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है इसमें। सब्जी बनने के बाद ही गरम मसाला ऐड करें और हरी मिर्च, क्योंकि अगर हम ग्रीन चिली पहले डाल देंगे तो ग्रीन चिली बिल्कुल अच्छे से गल जाएगी, लेकिन फिर ये दिखने में भी नहीं अच्छी लगेगी। तो अगर हम बाद में डालेंगे ना तो दिखने में जैसे होटल और रेस्टोरेंट में इसी तरीके से बनाते हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, सब्जी बन चुकी है और इसे सर्व कर लेते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आते रहें। और इस तरीके से आप राजमा मसाला बनाएं, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, इसे आप रोटी पूरी चावल किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनी है, जल्दी भी बहुत जल्द बन जाती है। तो इस तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स।